ओम शांति। सवेरे का वो पहला सेकंड, जब सोकर उठते हैं ना, वो पहला सेकंड वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, आपका पहले सेकंड पहला थॉट क्या चला, उसी तरीके से अगला कुछ समय आपका बीतने वाला है, और यहाँ तक कि पूरा दिन उस पहले सेकंड पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं उस वक्त मेरा अवचेतन मन हाईली एक्टिव होता है, राइट? जब हम सवेरे सोकर उठते हैं उस वक्त मेरा अवचेतन मन हाईली एक्टिव होता है, या ये कहूँ पूरी तरह से आज्ञाकारी होता है। उस वक्त हम जो सोचते हैं वो अपनी पूरी शक्ति हमें वैसा बनाने में लगाता है। इसलिए पहला सेकेंड कभी वेस्ट ना हो। लेटे हैं, लेटते ये सब आँख हल्की सी खुलती है ना, तो मुस्कुराइए, अनकंडीशनल अच्छे से मुस्कुराइए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से मुस्कुराना है, ठीक है? मुस्कुराए, और मुस्कुराते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग कह देना है। गुड मॉर्निंग, जैसे मैंने गुड मॉर्निंग बोला ना, तो मुझे क्या देखना है कि उनसे मेरे ऊपर सतरंगी किरणें बरस रही हैं। कि आप लेटे लेटे ही कर सकते हैं, सीधे लेट जाएं बिल्कुल, और मेरे ऊपर सतरंगी किरणें बरस रही हैं, मुझे आत्मा पे पड़ रही हैं, और मेरी पूरी देह पर यानी शरीर पर पड़ रही हैं। आप इतना लाइट हो जाएंगे ना, बहुत लाइट अनुभव करेंगे। फिर आप बैठ जाइए, और बैठ कर फिर आप कुछ अफर्मेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ, मैंने इस देह में अवतार लिया है, मैंने इस देह में अवतार लिया है, मैं देह से अलग हूँ। आराम से समझाएं, मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। जैसे गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, मैं अलग हूँ। इस तरीके से मैं ज्योति बिंदु हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक सितारा हूँ, एक एनर्जी हूँ, प्रकाश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा इस देह से बाहर निकल जाती हूँ तो ये मात्र एक मिट्टी का पुतला है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें हूँ तो ही ये चल सकता है, ये हाथ कार्य कर रहा है, नहीं तो कुछ नहीं। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी को चलाता है, राइट? सेम वे मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, सवेरे उठते ही मैं आँखों से देख रही हूँ, मैं कानों से सुनती हूँ, मैं मुख से बोलती हूँ, राइट? जीभ से मैं टेस्ट लेती हूँ, बराबर? पांवों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हूँ। अगर मैं आत्मा शरीर में नहीं तो पांव चल सकते हैं? कतई नहीं, राइट? इस तरीके से सवेरे अगर थोड़ा सा चिंतन कर लें तो कैसा हो, इस आत्मा में अनेक जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। वंडर है ना, सोचा करता था मैं जब छोटा था, वो सीढ़ी में कैसे 3 घंटे की कई मूवीज़ भरी हुई होती हैं, है ना? सोचने की बात है, उस सीढ़ी में कैसे भरी होती हैं मूवीज़, कैसे सोचा करता था। अभी सोचते हैं इस आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, कैसे? क्या छोटी सी आत्मा, वंडर है ना, कुदरत की हर चीज़ वंडरफुल है। कैसे पंच तत्वों से शरीर बन जाता है, सोचने की बात है, है ना? तो इस तरीके से चिंतन करेंगे तो डीप में चले जाते हैं। ये सवेरे उठते ही बहुत लाइट और बहुत हल्का है, लेकिन बहुत अच्छा चिंतन है, आराम से कर सकते हैं, है ना? फिर मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, कोई कमेंट्री चला लीजिए, नहीं तो 5 स्वरूप का अभ्यास 1-1 सेकंड, उससे एकाग्रता बढ़ जाएगी। जैसे कि माना शांति का अभ्यास करना है, मैं शांति का सितारा हूँ, परमधाम में बुद्धि चली जाएगी, मैं शांति का देवता हूँ, सतयुग में आ जाइए, मैं शांति का दाता हूँ या मास्टर शांति दाता हूँ, अपना रूप मंदिर में देखिए, पूज्य स्वरूप। चौथा, मैं शांति का अवतार हूँ, ब्राह्मण जीवन में संगम युग। और 5वां, मैं
शांति का फरिश्ता हूँ आकाश में उड़ता हुआ। तो जब हम विजन्स भी डाल देते हैं ना पांच स्वरूप में, क्या है ना विजुअलाइज करना बड़ा आसान होता है। तो इसलिए पांच स्वरूप बोले, एक एक सेकंड, दो दो सेकंड, तीन तीन सेकंड, पांच पांच सेकंड, दस सेकंड, इस तरह अपना टाइम बढ़ाते जाइए, स्वदर्शन घुमाते जाइए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कीजिए इस तरीके से। हम सवेरे की शुरुआत करें, याद रहे पानी हमेशा सामने हो, पानी ऐसा नहीं बाद में जाके पी रहे हैं, सामने रखें। दो तीन लीटर, दस लीटर भी रखिए, घर में भी सबको पिलाइए चार्ज वाटर, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ओम शांति।